चैनल को सब्सक्राइब करें और एक घंटी बजाना ना भूलें। सपना चौधरी को लेकर हिना खान ने किया बड़ा खुलासा। हिना ने बताया कि एक बार सपना को किसी शख्स ने सिर पर गोली मारी थी। हिना ने कहा कि सपना ने इस शख्स के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और उसे सपना से प्यार हो गया, लेकिन वो शादीशुदा था। जब उस शख्स ने सपना को प्रपोज़ किया तो सपना ने उसे ना कह दिया। इसी बात से नाराज़ होकर एक पार्टी के दौरान उसने सपना को गोली मारी थी। गोली सपना के सिर को छूते हुए निकली। इसके बाद उनका भाई सामने आ गया और उसे 3 गोली लगी। दोनों कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन सपना ने उस शख्स को जेल नहीं भिजवाया और उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि सपना का मानना है कि वो शख्स बहुत शर्मिंदा है और अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसलिए सपना ने उसे माफ़ कर दिया और उसे छोड़ दिया। यह बात सुनकर लव और मजहबी दोनों हैरान रह गए। हिना ने कहा कि यह बात खुद सपना ने घर वालों को बताई थी। अगली अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।